उज्जैन में शुक्रवार शाम को तेज बारिश के बीच महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक दीवार ढह गई, जिसके मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला और 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। उज्जैन में शुक्रवार शाम को तेज बारिश का दौर जारी था, लेकिन ये बारिश महाकाल मंदिर क्षेत्र में आफत बनकर बरसी। महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 पर पंडित आनंद शंकर व्यास के मकान के पास तेज बारिश के कारण अचानक दीवार ढह गई, जिससे यहाँ दुकान लगाकर सामान बेचने वाले लोग दीवार के मलबे में दब गए। जैसे ही इन लोगों के दबने की सूचना महाकाल मंदिर प्रशासन को लगी, उन्होंने तुरंत महाकाल थाना पुलिस एवं मंदिर कर्मचारियों की सहायता से घायलों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया है। मलबे में कुल 4 लोग दबे थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम छाता लेकर गेट नंबर 4 के गेट पर खड़े हुए थे, तभी अचानक दीवार गिर गई, जिससे 2 महिला और 1 बच्चा दीवार के नीचे दब गया था। उज्जैन इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। महाराजवाड़ा स्कूल के पास जो बाउंड्री वॉल थी, उसमें से कुछ हिस्सा पानी के तेज बहाव के कारण कट करके गिरा है और उसके अंदर 4 लोग दबे थे, घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर 1 महिला 1 पुरुष की मृत्यु हुई है और 2 लोग, 1 बच्ची है और 1 और महिला है, उनको इंदौर रेफर किया गया है। सर, वहाँ पर जो है रेस्क्यू पूरा हो चुका है, क्या स्थिति? वहाँ पर पूरा रेस्क्यू किया जा चुका है। ये 4 लोग थे जो कि इस घटना में चोटिल हुए थे, आहत हुए थे, और उनको यहाँ पर तुरंत जिला अस्पताल लाया गया था और जैसे मैंने बताया, 2 लोगों को अभी हम लोगों ने इंदौर रेफर किया है। सर, कुछ समय पहले ये दीवार बनाई गई थी, कुछ में जांच के निर्देश दिए, जो लापरवाही होगी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? महाराजवाड़ा स्कूल की दीवार है, जिसको कि वैसे पुरानी थी और उसके बाद जो है विभिन्न समय पर उसको रीइन्फोर्समेंट किया गया था और फिर से बनाया गया था, तो इसमें निश्चित तौर पर जांच की जाएगी कि ये दीवार किन कारणों से गिरी है और इसके आगे क्या उपाय किए जा सकते हैं। कोई कमेटी गठित करने का निर्देश दिए सर? इसमें SDM जांच करेंगे कि किस कारण से ये जो दीवार गिरी। प्राइम ऑफ एसी ये दिखाई पड़ रहा है कि लगभग पिछले 2-2.5 घंटे से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कल भी बहुत तेज़ बारिश पूरे उज्जैन में हुई थी, तो पानी जो ऊपर से आ रहा था महाराजवाड़ा स्कूल की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिला होगा, जिस कारण से ये दीवार गिरी है। जो RBC 6-4 के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदा से हुई दुर्घटनाओं पर मदद होती है, वो मदद दी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।